हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो आई होप यू आर फाइन। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी हैव टू सॉल्व क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड माइनस पी एक्स। सो इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी if we come to the form which is this function of z p q equals to 0, if we look at this form and if we compare our given question with this form, then x and y is extra, so we can convert our question to this form. Let's see how. So what is your Q? Your Q is, so we can collectively write your LHS as Y Q square equals to Z square minus Z PX Y into Q is del z by del y z square minus z into p is del z by del x and into x. Fine. Now what I can do is, I write this del z as it is, I write this y in denominator, so del y by y equals to z square minus, now again here z del z divided by del x by x. Fine. Now what assumption I will take? I will take del y by y as del capital Y and del x by x as del capital X. I will not do any changes to z. This changes I am doing only because I want to write only this thing only as a function of z, p and q. So now this will convert to del z, z is small only, divided by del capital Y square equals to z square minus z del z as it is. And denominator I have this del x by x is del capital X. Here also it will be del only. Now this del z by del capital Y I can write as p. So if I write del z by del capital Y as p and del z, and this is my capital P which is different from the small p which I had used earlier, and del z by del capital X
as q. So my equation will convert to p square equals to z square minus z times it is not p, it is q. So it is q square equals to z square minus z times p. Now this is completely as a function of z, p and q. Now I can take this as my new question and start solving. How to solve this type of question? We take a substitution, capital X equals to small x plus ay. Now because I have already taken capital X and small capital X and capital Y, so this time I will take another variable, let's say u. So I am taking u as तो यहाँ पे हमारे पास u है, अब बेशक इसको कैपिटल u लिख दे बेहतर होगा. तो u इस बार हम क्या एज्यूम कर लेंगे, पहले करते थे स्मॉल x प्लस a स्मॉल y. यहाँ पे क्योंकि हम आप स्मॉल से कैपिटल में शिफ्ट हो चुके हैं तो लिखेंगे x प्लस a अभी भी होगा, a कहीं नहीं है इक्वेशन में, और y. ठीक है, हमारा अब p भी है वो स्मॉल से कैपिटल जोन में शिफ्ट हो चुका है, तो जो p है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल p, दैट विल बी डेल z, z तो स्मॉल ही है, बाय डेल एक्स. लेकिन यहां पे एक्स की जगह यू है तो डेल जेड, पहले तो यू का फंक्शन है तो डेल जेड बाई डेल यू, फर्दर यू हमारे पास फंक्शन है एक्स का. ठीक है, वैसे डेल जेड बाई डेल एक्स लिखना चाहिए तो, लेकिन डायरेक्टली एक्स तक नहीं है, पहले यू के थ्रू जाना पड़ेगा, इसलिए डेल जेड बाई डेल यू फर्दर डेल यू बाई डेल एक्स. अब अगर यहां से देखें इस इक्वेशन से तो हम निकाल सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा, वो वन आएगा. ठीक है, तो यहां पे रख दे तो पी हमारा क्या आ जाएगा, दिस इंटू वन. अब क्योंकि पी सिर्फ यू का फंक्शन है तो इस डेल के जगह हम डी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, तो डी बाय डी यू. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पी का वैल्यू. सिमिलरली एक और वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, वो है डेल यू बाय डेल वाई, जो कि अगले में काम आएगा. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एक इक्वल. ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखें, हाँ एक इक्वल हो जाएगा तो q हमारे पास क्या होता था, डेल z बाय डेल y लिखते हम, लेकिन u के थ्रू जाना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल y. अब ये डेल यू बाई डेल वाई एक इक्वल है, और मैंने फिर से बोला था कि अब क्योंकि हमारे पास ये ओनली इन टर्म्स ऑफ यू है तो हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ डेल ऑपरेटर हम डी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, डी जेड बाई यहाँ पे डी यू,
और इनटू ये चीज़ ए आया। थोड़ा समझना मुश्किल है कि कब डेल से हम डी ऑपरेटर में जाते हैं, क्योंकि पहले एक्स और वाई का फंक्शन हुआ करता था, अब केवल डेल का है तो यू का है, तो इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं इसको। अब इस पी और क्यू के वैल्यू को ऊपर वाले जो बॉक्स दिख रहा है आपको, उसमें आप रख सकते हैं, तो वहां से क्या मिल जाएगा हमें, क्यू के जगह डी जेड बाई डी यू और इनटू ए, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। अगले पेज में हम जा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और इस बोर्ड का क्वालिटी शायद उतना अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है मैं इसको समझ नहीं पाया क्योंकि अगले पेज पे जाने पे ओवरलैप हो जाएगा, तो पूरे को समराइज नहीं कर पाएंगे, तो हम यहीं पे कोशिश करते हैं लिखने का। तो अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो q के जगह हम dz by du into a लिख सकते हैं, तो हो जाएगा a square और dz by du का whole square बराबर z square minus z times P, which is dz by du। तो ध्यान से देखें अगर, तो सब कुछ को LHS में ले आते हैं तो a square dz by du का whole square plus z times dz by du माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसको एक क्वाड्रेटिक की तरह समझ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इन डेल डी जेड बाई डी। वापस मैं इसको क्वाड्रेटिक दिखाने के लिए कोई और वेरिएबल एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डी जेड बाई डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस जेड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। आई एम कंपेयरिंग दिस टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो dz बाय du बराबर, इधर से आप ये 4a स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी z स्क्वायर है, z बाहर खींच सकते हैं, सबसे z कॉमन ले सकते हैं, तो z आएगा कॉमन माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस सॉरी 1 प्लस 4 ए स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं अब, तो डी जेड बाई जेड इक्वल्स टू, ये पूरा चीज तो कांस्टेंट ही है, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस फोर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर, इसके साथ हम लिख देते हैं डी, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो log z आ जाएगा इक्वल्स टू du का इंटीग्रेशन होता है u, तो दिस थिंग इनटू u, तो माइनस वन
plus minus under root 1 plus 4a square divided by 2a square, ठीक है, into u. अब u क्या था? u था x plus ay, ठीक है, और x plus ay. x क्या है? x के लिए हमें इस वाले इंटीग्रेशन को करना होगा इंटीग्रेट, ठीक है. तो इस वाले इंटीग्रेशन को अगर यहीं पे हम इंटीग्रेट कर दे, ध्यान से देखें, तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल x का वैल्यू log x मिल जाएगा. इसको इंटीग्रेट कर दे तो कैपिटल y का वैल्यू log y मिल जाएगा. तो और log z तो इधर है ही, ठीक है. तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम, log z बराबर माइनस वन प्लस माइनस, और तो कुछ चेंज करना नहीं है, 1 प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, और x के जगह log x, स्मॉल x के दुनिया में, क्योंकि ये कैपिटल x और कैपिटल y हमारा माना हुआ assumption था, प्लस a लेकिन कांस्टेंट है तो वह रहने दे सकते हैं हम, log y प्लस. तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. सब कुछ को एक ही पेज में लिखना पड़ा क्योंकि कुछ दिक्कत आ रहा था, दूसरे पेज में लिखने पे ओवरलैप हो जाता तो हम समराइज नहीं कर पाते. अब वापस समराइज करते हैं इसको. तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमारे पास क्यू एक्स वाई जेड और पी एक्स वाई जेड तो था ही, पी क्यू था. तो हम क्या चाहते थे कि जेड पी और क्यू में फंक्शन बने. तो उसके लिए हमने y और x को हटाने की कोशिश की कुछ देर के लिए. तो उसको हटाने के लिए हमने कुछ सॉल्व किया. यहाँ पे डेल y बाई वाई को डेल कैपिटल y मान लिया, डेल x बाई एक्स को डेल कैपिटल x मान लिया. सॉल्व करते चले गए तो q स्क्वायर बराबर z स्क्वायर माइनस जेड पी आ गया. ये जो q है ये कैपिटल q है और p है वो भी कैपिटल p, ठीक है. हमने सब कुछ एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ा, u इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस a कैपिटल y. नया p आ गया हमारे पास क्योंकि कैपिटल p था और कैपिटल q का वैल्यू हमने निकाल लिया. od में कन्वर्ट हो गया अब ये क्वेश्चन, ठीक है. फिर हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था dz by du में, तो उस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, वेरिएबल्स को सेपरेट करके फाइनली सॉल्व कर लिया. लास्ट में u क्या था? u था हमारे पास, वहाँ जो du दिख रहा है du का इंटीग्रेशन u होगा, और u है x प्लस ए वाई. एक्स क्या है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से जहाँ पे हमने एज्यूम किया था डेल y बाई वाई को डेल कैपिटल y, उसी को इंटीग्रेट करने से हमें कैपिटल y का वैल्यू log y मिल जाएगा और कैपिटल x का वैल्यू log x मिल जाएगा. उसको हमने पुट कर दिया और फाइनल आंसर पहुँच गए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.